मेरा नाम सुभाष गुप्ता है, मैं शालीमार बाग दिल्ली का निवासी हूँ। मेरी उम्र लगभग 57 वर्ष है। व्यवसाय से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ मेरी धर्मपत्नी मीना गुप्ता के साथ आध्यात्मिक साधना केंद्र के तत्वाधान में जो रोग निवारण केंद्र लगा है उसमें हिस्सा लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लगभग 10 वर्ष पूर्व ही मैंने यहाँ विवेकानंद आश्रम के तत्वाधान में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था साधना केंद्र में, उसके अंदर ही मैंने हिस्सा लिया था। केसी जैन साहब ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरणा दी। मुझे 20-22 साल से डायबिटीज़ रहती है और अनकंट्रोल्ड शुगर जिसे कहते हैं वो मुझे है। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आध्यात्मिक साधना केंद्र का जो ये रोग निवारण केंद्र है, इस कार्यक्रम में जो पाठ्यक्रम इन्होंने रखा है बहुत ही सुंदर और लाभप्रद है। हम सुबह यहाँ 4:30 बजे सबको उठा दिया जाता है, उसके पश्चात व्यायाम और आसन इत्यादि की प्रक्रिया होती है और उससे पहले सुबह 5 बजे कायोत्सर्ग और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करवाया जाता है। प्रेक्षा ध्यान और कायोत्सर्ग का जो प्रयोग है वो एक शरीर को अंतर्मन को आत्मा से जोड़ने का एक प्रयोग है। अंतर्मन को के शुद्धिकरण को करना और उससे उसके आंतरिक शरीर के विकारों को दूर करना और मानसिक विकारों को दूर करना, यह प्रेक्षा ध्यान और कायोत्सर्ग से उसको लाभ मिलता है और उसका प्रभाव उनकी बीमारियों पर पड़ता है। मुझे यहाँ 3 दिन में यहाँ आने के पश्चात मेरी शुगर का लेवल 50% रह गया और जैन साहब ने मुझे ये विश्वस्त भी किया था कि आपका यहाँ आने के बाद 3 दिन में आपकी शुगर 50% हो जाएगी। जो शुगर यहाँ फर्स्ट डे 300 थी वो आज 125 के आसपास शुगर रह गई। तो मुझे ये लगा कि शारीरिक अंतर मन से जब शुद्धि होती है तो उसका रोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है। रोग का निवारण आंतरिक मन की शुद्धि के साथ साथ स्वयं ही होना प्रारंभ हो जाता है। हमें यहाँ पर कोई अलग से औषधि नहीं दी जाती, अलग से कोई आयुर्वेदिक या कोई किसी भी तरीके का औषधि देने का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। हम अपनी रेगुलर मेडिसिंस लेते हैं और वो मेडिसिंस यहाँ आने के पश्चात मेरी इंसुलिन 50% रह गई है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रयोग यहाँ किया जा रहा है ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है। इस वैज्ञानिक प्रयोग के अंदर कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर के अंदर शिथिलता के द्वारा हम अपने शरीर की मानसिक शक्तियों को जागृत करते हैं और उन मानसिक शक्तियों के माध्यम से रोगों का उपचार होता है। उसके लिए हमें यहाँ प्रेक्षा ध्यान और अणुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है। अणुप्रेक्षा के प्रयोग के साथ साथ यहाँ मंत्रों का उपचार करवाया जाता है। मंत्रों का उपचार भी आपके शरीर के विशेष अवयव के ऊपर जाके ध्यान केंद्रित करवाना, उसका उच्चारण करवाना और आंतरिक मन से उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, यह इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। हमने यहाँ आने के पश्चात देखा कि हमारे शरीर की संरचना कैसी है, उसमें किस अवयव की कहाँ सिचुएशन है, कहाँ उसकी एग्जिस्टेंस है, वो यहाँ पे आने के बाद क्वालिफाइड डॉक्टर, MD डॉक्टर, DM डॉक्टर आके हमें यहाँ हर क्लास के अंदर उसकी गाइडेंस देते हैं और उस अवयव के ऊपर, शरीर के उस अवयव के ऊपर जाके हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उस ध्यान के माध्यम से, मंत्रों का उच्चारण के माध्यम से हम उस रोग का निवारण करने का प्रयास करते हैं। हमें अलग अलग कक्षा में ये भी बताया जाता है कि ये प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, अनुप्रेक्षा के ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक मन को अपनी आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं और उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। उस शुद्धिकरण के साथ साथ ही हमारी जो आंतरिक बीमारियां हैं शरीर के अंदर जो विभिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, किसी बीमारी को हम डायबिटीज़ कहते हैं, किसी को हार्ट की बीमारी कहते हैं, किसी को कैंसर की बीमारी कहते हैं, इन बीमारियों का उपचार हमारे आंतरिक शुद्धिकरण के माध्यम से बताने का एक यहाँ एक वैज्ञानिक प्रयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस प्रयोग को देश के पूरे कोने कोने में जनमानस को पहुँचाया जाए
मैंने कैलाश जैन जी से और यहाँ के प्रबंधकों से निवेदन भी किया है कि इस प्रयोग को आप देश के हर कोने कोने में भेजें, ताकि हमारी तरह सभी व्यक्ति इनका फ़ायदा उठा सकें। मैं एक संदेश और आध्यात्मिक साधना केंद्र के माध्यम से देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को हमसे भी अधिक आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी को, जो आने वाला हमारा भविष्य है। हम इस प्रयोग को, इस क्रिया को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनका आज खान पान, जिनकी कार्यशैली बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके लिए डिफरेंट हम यहाँ प्रयोग करें, डिफरेंट शिविर लगाएं, ताकि उन बच्चों को भी आज ये पता लगे कि हमारे खान पान को और हमारे शरीर की तरफ हमें कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने भारत का भविष्य अच्छा बना सकें।